एंड वी आर ऑल पैक्ड टू गो। से हाय। उल्टा चश्मा पहन रखा है बेटा और अब निकल गए रणथंभौर ट्रिप के लिए। पीछे हमने ये बेड लगा रखा है, ये इन्फ्लेटेबल है और ये हम लेकर आए थे। अब इस पर आराम से लोग सोकर मतलब अभी उठे ही है। ये लगता है हरियाणा के किसी गांव के बीच में से ये सड़क निकल रही है। 6 लेन हाईवे है थ्रू आउट, फुल रास्ता है ये थ्रू आउट 6 लेन हाईवे है। वी आर अमेज्ड कि मतलब क्या भयंकर सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये। हम साथ में लेके चलने पड़े। ये हमारा धूप का लुक है, धूप बहुत तेज हो गई है आज। ऑरेंज अलर्ट है भाई राजस्थान में और हरियाणा में, और तो अब हम सब लोगों ने टोपियां पहन ली और आशवी स्टिल स्लीपी। आशवी अभी तक सो के नहीं उठी है। इट्स 10 o'clock ऑलरेडी। वी आर गोइंग टू हम टाइगर देखने जा रहे हैं। बोलो हेलो टाइगर। We are coming. We are coming. हम लोग बस ऑलमोस्ट अब पहुंचने वाले हैं और बिफोर इट्स टू हॉट हम मेरे ख्याल से रिसोर्ट में पहुंच जाएंगे। और ये रही नदी, भारजा नदी। अब आगे बोर्ड आया, अब नदी आएगी आगे और बच्चों को नदी देखने की एक्साइटमेंट है। हमारे बीच में से अभी एक नदी निकलेगी। फाइनली नदी दिख गई। शिवांश देखा, तेरी साइड पे भी दिख रही है। I don't think शिवांश ने इसके पहले कोई नदी देखी है। टाइगर भी आता होगा फिर तो पानी पीने यहाँ पे। Who knows? कितना साफ है मम्मा, देखो पानी। साफ तो कहाँ है बेटा, पर हाँ ठीक है। कितना ब्लू है। अरे अरे अरे, आते ही तुम लोग ऐसे मस्ती कर रहे हो। Beautiful room. रणथंभौर फोर्ट, ये जो गणपति जैसा सा लग रहा है ना अभिषेक, देखो ये गणपति की प्रतिमा है। सेकंड गेट का नाम हाथीपोल गेट है। अच्छा, फर्स्ट गेट का नाम नौलखा गेट था। उसमें क्या लगा हुआ गेट था, मंदिर का गेट था, इसलिए उसको नौलखा गेट का नाम दिया। गेट के आगे एक दीवार देखा होगा आपने, सेफ्टी वॉल। इसके राजा महाराजाओं को 4-5 बेनिफिट होता। नंबर एक तो डायरेक्ट में एंट्रेंस रूम ही होता घुसने का। था रणथंभौर फोर्ट इज ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट है ये। शिवन जा थोड़ी सी आगे आ जा, तेरा फोटो खींचती हूँ। दोनों जाओ। चल रहे हैं हम और हमारे गाइड्स आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज सुन रहे हैं। ये अब हम गणेश टेम्पल आ रहे हैं। दिस इज आदि गणेश मूर्ति। यहाँ पे किसी के घर में कोई भी शुभ काम हो, सिर्फ ये लिख के लेटर 1008 त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर लिख दो तो यहाँ पहुँचता है। पुजारी उस पत्री को या जो भी कुछ शुभ काम को पढ़ते हैं यहाँ पे और उनका काम होने के बाद प्रसाद चढ़ाते हैं। आप क्या आप एलिगेटर देखने के लिए जाते हैं? ये जोन 3 का व्यू है और ये ब्यूटीफुल है। ये पद्म तालाब है, तालाब है, इसके आगे मलिक तालाब है। जोन नंबर 3 का व्यू है और जिस जगह पर अपन खड़े हैं ये फोर्ट का सबसे सुंदर जगह है बादल में। बादल और ये सामने जो गुलाबी कलर का बिल्डिंग दिख रहा है ये जोगी महल पैलेस है। अच्छा। 1987 के लगभग में राजीव गांधी आए थे परिवार सहित अमिताभ बच्चन के साथ में 7 दिन तक रुके थे इस महल में। और इसके आगे वाला जो झाड़ है हरा वाला, ये इंडिया का 2nd नंबर का लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट बनियन ट्री है। बरगद का पेड़ ये 700 वर्ष पुराना है। 1st नंबर का बोटानिकल पार्क कलकत्ता के अंदर है, 1000 वर्ष पुराना है। ये बेनिफिट होता है इसको। आई वुड हाईली रिकमेंड एवरीवन टू गो टू रणथंभौर फोर्ट एंड टेक अ गाइड, क्योंकि पता है क्या होता है, इतनी हिस्ट्री है ना इस फोर्ट की और इतनी ब्यूटीफुल हिस्ट्री है तो गाइड जो इतने अच्छे से हमको समझा पाता है वो हम खुद चल के और मतलब वो मज़ा नहीं आता है। हम चल लेंगे फिर भी 5-6 किलोमीटर की वॉक है पूरे फोर्ट को कवर करने में, हम चल के आ जाएंगे, पर उस वॉक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो गाइड स्टोरीज बताते हैं ना और
एट द सेम टाइम हिस्ट्री पता चलती है. उसके लिए एवरी वन शुड एंड मस्ट टेक अ गाइड हियर. इट्स 5:47 एंड वी आर ऑफ टू द सफारी. 6 o'clock तक हमको पहुँचना है एंड वी आर रशिंग. लेट्स होप फिंगर्स क्रॉस्ड टच टाइम पिक्चर. वरना शाम को भी है एक सफारी, कल सुबह भी है, कल शाम को भी है, परसों सुबह भी है. होपफुली ऑल जोन्स हम कवर कर लेंगे. और जब क्योंकि सफारी के लिए अगर आए हैं तो जितने दिन हैं उतने दिन सुबह शाम दोनों की सफारी बुक करनी चाहिए ताकि एक हाथ टाइगर साइटिंग को मिल जाए. बोल दे कुछ. टाइगर आएगा आएगा टाइगर आएगा. एंड वी आर बैक फ्रॉम द फर्स्ट सफारी और वो अनसक्सेसफुल थी. हमें टाइगर साइटिंग तो भी नहीं है, तो जंगल में घूम घुमा के और आ गए. शिवांश राम ने ज़रूर जंगल में मंगल कर दिया. अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो तो ध्यान रखें इस बात का. सफारी अटैम्प्ट नंबर 2. इट्स वेरी सनी, इसके लिए टोपी चश्मा एंड एवरीथिंग. अरे सर क्या यार, ये ले मैं ले आया चश्मा पहन के. संतरा ले लिया और हम कैंटर का वेट कर रहे हैं. अब तू खाएगा संतरा भी? हमने जिप्सी लिया था और अब हम कैंटर गाड़ी में खाएगा. रुक फिर मैं ये नहीं है स्पॉट हियर हिरन बोलते हैं इनको. चीता 12 सिंगा एंट्री मिलेगा आपको इधर नहीं. 12 सिंगा अभी कहां है सिंग वाला. एंड वी आर बैक फ्रॉम द सेकंड सफारी. इवनिंग की चल रही है यहां होटल में. सो डांस एंड सिंगिंग और ये तीनों स्विमिंग पूल में घुसे हुए हैं. एंड आई वाज इन नो मूड टू बी इतनी भीड़ एज द थॉट में. I don't feel like going into the pool, but second sighting, let's go back to that. Or we had two sightings, second number safari mein, number 3 mein. But I'm telling you, Formula 1 racing और कैंटर में या जिप्सी में वहाँ के सफारी में है ना बैठना अपने आप में ना एक टास्क है. फार्मूला 1 में फिर भी स्मूथ सड़क होती है, यहाँ तो भाई साहब ये लोग एरोप्लेन उड़ाते हैं कच्चे रस्तों पे, पत्थर वाले रस्तों पे. सो इफ एट ऑल यू आर गोइंग टू एनी सफारी प्लीज वेयर एथलीजर, अदरवाइज समथिंग इज गोइंग टू फॉलो. एंड द सेकेंड थिंग इज कि अगर आप सफारी के लिए आए हो चाहे दिन में 2 होती है, बुक एवरी पॉसिबल सफारी एंड डू एवरी जोन बिटवीन 1 and 10. 6 to 10 इज बफर जोन बट 1 to 5 इज वेरी वेरी गुड. बुक एवरी सफारी. वी आर गोइंग मॉर्निंग इवनिंग एवरी सिंगल डे. वी आर हियर 3 days. 6 सफारी वी आर गोइंग टू. एंड वी ऑल्सो सॉ द किल. टाइगर ने हमारे सामने हिरण को मारा और उसको खींच कर लेकर आया. देखो हमारा जो सुपुत्र है इसको ना इतनी गर्मी में भी इसको ठंड लग रही है. सफारी नंबर 3 के लिए निकल गए हैं. इट्स अर्ली मॉर्निंग 5:30. पहुंच चुका है कैंटर. 5 मिनट लेट है हम लोग एंड वी आर रनिंग. होपफुली फिंगर्स क्रॉस यहाँ के बेस्ट जोन में जा रहे हैं आज Zone 2. और उसमें होपफुली साइटिंग एकदम पास से हो जाए. साइटिंग तो 2 कल भी हुई थी बट एकदम पास से आज चाहिए. फाइनली चेकिंग आउट टुडे. जो सेकेंड सफारी थी हमारी वो सुपर सुपर सक्सेसफुल थी. हमने अप क्लोज T-54 टाइगर देखा जैसे राइट इन फ्रंट ऑफ अस लेटा हुआ था आराम से अपना खा पी के और सोने की तैयारी थी. पत्थर को तकिया बना के रखा था उसने और बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रणथंभौर. सो वी हैड 3 साइटिंग्स और बहुत ही सही है. एंड आई वुड रिकमेंड जो कोई रणथंभौर आए बुक एवरी सफारी एवरी जोन एवरी डे टिल द टाइम यू आर हेयर. इफ़ यू आर हेयर फॉर 3 days देन 6 की 6 सफारी बुक करो. इफ़ यू आर हेयर फॉर 4 days डू 8 की 8 सफारी. एंड देयर इज अ बेटर वर्जन अगर आपका बड़ा ग्रुप है. सो देयर इज एन ऑप्शन. ये ऑप्शन हमको पहले पता नहीं था, अदरवाइज वी कुड हैव टेकन दैट. इसमें क्या होता है, एक सारे जोन का एंट्री पास मिलता है और एक जिप्सी आपको मिल जाती है पूरे दिन के लिए, सुबह भी शाम भी. और वो आपको सब जोनों में घुमा के और टाइगर जहाँ मूवमेंट हो रही है ये लोग फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं और जितने मर्जी टाइगर्स आप देख लो हर जोन में, क्योंकि हर एक टाइगर का जोन डिवाइडेड है तो आपको ऐसे अलग अलग टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है. सफारी एनीवेज इज़ एक्सपेंसिव, इट्स नॉट लाइक चीप. तो इससे बेटर है कि आप एक जिप्सी पूरे दिन की हायर कर लो. 35,000-40,000 के आसपास ये पूरे दिन की बुक होती है और अदरवाइज आप 5,000-6,000 रुपये पर सफारी आपके लगते हैं. तो इससे बेटर है कि आप एक ही दिन पूरा ऐसा रखो. इफ़ यू आर शॉर्ट ऑन टाइम एंड इफ़ यू रियली वांट टू डू द साइटिंग्स देन बुकिंग अ जिप्सी इज़ अ ग्रेट ऑप्शन.
और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अब एक नेशनल घड़ियाल सेंचुरी और है यहाँ पे चंबल रिवर की, घड़ियाल पता नहीं वहाँ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चे मना कर रहे हैं क्योंकि आफ्टर डूइंग 4 सफारीज बैक टू बैक अभी इन लोगों की इच्छा नहीं है। ये चंबल घड़ियाल सेंचुरी है, अपेरेंटली नॉट टू बी मिस्ड है। यहाँ पे ब्यूटीफुल नदी है, पानी के ज़्यादा पास जाने में थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि यहाँ पे घड़ियाल है। वैसे तो वो फिश ईटिंग घड़ियाल है, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स नहीं है, बट स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। दिस रिवर एंड द बैंक्स आर स्पॉटलेसली क्लीन। वी डिडंट डू द बोटिंग इन चंबल घड़ियाल सेंचुरी, वहाँ पे बोटिंग होती है, आपको पूरी रिवर में दिखाते हैं क्रोकोडाइल सॉरी घड़ियाल अपने स्नाउट निकाल के पानी के एकदम सरफेस के अंदर ही बैठे होते हैं, बट अननोन वाटर्स थे। एंड अभिषेक ने कहा कि ये तो पता नहीं, उसको खून भरी मांग पिक्चर याद आ रही थी रेखा वाली जिसमें उसको मगरमच्छ खा गए थे, उसको बोला भाई अपन नहीं जाएंगे यहाँ पर प्लीज़ तो इसलिए वी स्किप्ड बोटिंग। बट इफ़ यू आर एडवेंचरस इनफ देन आप कर लो, अपने दिमाग से वो विजुअल नहीं निकाल पा रही उसके बाद तो मैं रेखा वाला। हम लीविंग रणथंभौर नाउ, दिस इज़ द फोर्थ डे टुडे, 30 को आए थे, 3 को निकल रहे, 30, 1, 2, 3 तो यहाँ पे किसी ने हमको बोला कि बिफोर लीविंग रणथंभौर यू मस्ट ईट कचौरी। यहाँ पे कोटा की चिरंजी करके कचौरी मिलती है एंड ओ माय गॉड इट्स अमेजिंग। वैसे भी हम लोगों को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, तो इन 4 दिन में तो रणथंभौर और सवाई माधोपुर में देयर्स क्वाइट अ डिस्टेंस, तो हम लोग रणथंभौर में रह रहे थे तो इसीलिए यहाँ तक आ नहीं पाए। लेकिन निकलने से पहले अभी जो हमारा करंट होटल है उसके बहुत हम सवाई माधोपुर में हैं फॉर द लास्ट डे, तो इसके पास हम लोग कचौरी वाला जो है यहाँ पर आए हुए हैं अभी। बट आई वुड रिकमेंड एवरीबडी जब रणथंभौर आएँ तो मिनिमम 3 डेज का ट्रिप लेकर आएँ, क्योंकि 6 सफारीज मिलती है उसमें, टाइगर साइटिंग्स और मैक्सिमम जोन कवर किए जा सकते हैं, तो लेट्स सी। और अब ये कचौरी का हम वेट कर रहे हैं, और यहाँ पे दाल भी है, प्याज भी है, जलेबी भी है, पोहा भी है, दाल पकवान भी है, सो आई एम गोइंग टू हैव अ बाइट ऑफ ईच। आई डोंट नो हाउ मच कैन आई ईट बट आई डेफिनेटली वुड वांट टू हैव। एसी के पास स्टॉल लगा के एक पोहे वाला भी खड़ा है, बट दैट्स नॉट वेरी नाइस। इससे बेटर पुड़िया पोहे तो उदयपुर में मिलते हैं। आई एक्चुअली रियली लाइक द पोहा इन उदयपुर। और ये है वो कचौरी जिसको खाने के लिए हम इतने घूम घाम के यहाँ पे पहुँचे हैं रणथंभौर निकलने से पहले। बाय बाय रणथंभौर, हम फिर ज़रूर दोबारा मिलेंगे, 3-4 जोन रह गए हैं वो करने के लिए तो आना ही पड़ेगा, एंड प्लस टाइगर भी हमें बुला रहा है ना शिवांश, टाइगर बुला रहा है ना, टाइगर के पास वापस आना पड़ेगा ना। एज यूजुअल प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उतना ज़्यादा मोटिवेशन।